वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक। आज हम बनाएंगे कच्चे केले के कोफ्ते की सब्जी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना भी ना भूले, जिससे मेरे हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो कच्चे केले की पंजाबी सब्जी बनाने की सामग्री देख लेते हैं। तो मैंने 4 कच्चे केले लिए हैं और कच्चे केले को, और मैंने 2 छोटे आलू लिए हैं और दोनों को मैंने 3 विसल लगा के बॉईल कर दिया है। थोड़े मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है जो हम ग्रेवी में भी डालेंगे और कोफ्ते में भी। कोफ्ते तलने के लिए और ग्रेवी बनाने के लिए हमें तेल चाहिए। और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को छिलका निकाल के इस तरह से लंबी स्लाइस में काट लिया है। 2 टमाटर को धो के फिर मैंने इस तरह से लंबे काट लिए हैं। स्वाद अनुसार हम नमक लेंगे। नमक हम कोफ्ते में और ग्रेवी दोनों में डालेंगे। और मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4-5 कली लहसुन की और छोटी हरी मिर्च का टुकड़ा ले लिया है। इसको हम ग्रेवी में डालेंगे। और मसाले में मैंने 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। और 1 टीस्पून मैंने किचन किंग मसाला लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और 1 मैंने तेज पत्ता तड़के में डालने के लिए लिया है और 3 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है जो कोफ्तों को बाइंड करने के लिए हम डालेंगे। और मैंने 8 से 10 नंग काजू लिए हैं जिससे हमारी ग्रेवी अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं केले और आलू का छिलका मैंने निकाल के ले लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मैश कर दूंगी। दोनों को मैं अच्छे से मैश कर देती हूँ और मैंने दोनों को 1 घंटे पहले ही बॉईल करके रखा था जिससे एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए। कच्चे केले और आलू दोनों ही अच्छे से मैश हो गए हैं तो हम इसमें मसाला कर देते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1/3 मैंने गरम मसाला डाला है, थोड़ा मैंने हल्दी पाउडर और थोड़ा मैंने धनिया जीरा पाउडर डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक भी डाल दूंगी। अभी मैं इसमें 2 टेबलस्पून जितना बेसन डालती हूँ, बाद में हम देखेंगे कि कितना जाएगा। थोड़ा मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देती हूँ। आपको अगर कोफ्तों में प्याज का टेस्ट पसंद हो तो आप बारीक कटी हुई प्याज भी डाल सकते हो। अभी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अभी मैंने मिक्स कर दिया है तो मैं और 1 टेबलस्पून इसमें बेसन डाल देती हूँ जिससे अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। अच्छे से मिक्स हो गया है तो अभी हम कोफ्ते का शेप दे देंगे। हाथ पे मैंने तेल लगा लिया है जिससे चिपके नहीं। इस तरह से मैं सभी कोफ्तों को तैयार कर लूँगी। सभी कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। मैंने गोल शेप दे दिया है तो अभी हम इसे तल देते हैं। तो मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है और तेल भी गरम हो चुका है तो हम मीडियम फ्लेम पे इसे तल देंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन कलर के तलने हैं। थोड़ी देर के बाद ही हमें भी इसे पलटाना है जिससे नीचे वो चिपक ना जाए। पलटा पलटा के हम इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर के तल देंगे। ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैं इसे निकाल देती हूँ और कोफ्तों को भी मैं ऐसे ही तल देती हूँ। सभी कोफ्तों को मैं ऐसे ही तैयार कर देती हूँ। मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे तलना है। कोफ्ते तैयार हो चुके हैं तो मैं इसे प्लेट में ले लिए हैं। आप देख सकते हो कितने बढ़िया बने हैं। तो अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो अभी हम ग्रेवी बनाने की शुरुआत करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैंने इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च दोनों को डाल दिया है। और अभी मैं इसे 1-1.5 मिनट तक ऐसे ही सौते करूंगी। बाद में मैं इसमें टमाटर भी डाल दूंगी।
अभी 1 मिनट हो चुका है तो अभी मैं इसमें टमाटर भी डाल देती हूँ और साथ में काजू भी डाल देती हूँ। और अभी मैं 4-5 मिनट तक इसे ऐसे ही भुनूंगी जिससे प्याज का कच्चापन भी निकल जाए और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मैं 2 मिनट के लिए ढक्कन ढक के इसे पकाऊंगी, बाद में मैं इसे खुला ही पकाऊंगी और करीब 3 से 4 मिनट में ये पक जाएगी। इस तरह से मैं कंटिन्यूस इसे मिक्स करती रहूंगी जिससे नीचे चिपके नहीं। और करीब 3-4 मिनट के बाद ये अच्छे से भून जाएगा तो मैं गैस बंद करके इसे ठंडा करने के बाद इसकी अच्छे से पेस्ट बना लूंगी। तो अब ये पक चुका है तो मैं अभी गैस बंद करके इसे ठंडा होने के बाद पेस्ट बना लूंगी। मैंने पेस्ट बना ली है तो अभी हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने वही कढ़ाई ली है और इसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया है, तेज पत्ता भी डाल दिया है। बाद में मैं इसमें पेस्ट भी डाल दूंगी जो मैंने तैयार करके रखी है। तैयार की हुई पेस्ट मैंने डाल दी है और अभी मैं इसे मिक्स करने के बाद स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी। मैंने मिक्सर जार में ही करीब आधा ग्लास जितना पानी डाल के ग्रेवी में डाल दिया है और अभी मैं इसे स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी और बीच बीच में मैं हिलाती रहूंगी। करीब 3 से 4 मिनट हुए हैं और मैंने इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक और सभी मसाले भी डाल दूंगी, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग मसाला और लाल मिर्च पाउडर। सभी मैंने मिक्स कर लिया है और अभी मैं 5 से 6 मिनट तक इसे पकाऊंगी। 3-4 मिनट हो चुके हैं और मैं बीच में एक बार इसे मिक्स कर लेती हूँ, बाद में फिर से मैं ढक्कन ढक के इसे पकाऊंगी करीब 1 से 2 मिनट तक। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी बिल्कुल भी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो ऊपर ऑयल अलग हो चुका है। तो अभी मैं इसमें कोफ्ते भी डाल देती हूँ और कोफ्ते डालने के बाद मैं इसे खुला ही 2 मिनट तक पकाऊंगी। आप ग्रेवी अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हो। 2 मिनट के बाद सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी मैं गैस बंद करके इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देती हूँ। एकदम टेस्टी हमारी कच्चे केले के कोफ्ते की सब्जी तैयार हो चुकी है। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में ले लिया है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। ये हम रोटी के साथ, पराठे के साथ या नान के साथ खा सकते हैं।